हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल सी एन सी कैट गेम में बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं सी एन सी कैट गेम। दोस्तों, आज के इस सॉलिड वर्कर ट्यूटोरियल में हम जानेंगे क्या अगर हमें कोई बॉडी हमने बना रखी है और उसमें और भी प्लेन हमको इंसर्ट करने हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, या ना एक प्लेन करना या एक प्लेन से ज़्यादा भी प्लेन हमको ऐड करने हैं, उसमें नंबर ऑफ प्लेन से ऐड करने हैं तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। तो देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पर अंत तक और वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं मान लीजिए एक कोई स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे एक ले लिया मैंने रेक्टेंगल, ये मैंने बना लिया बॉडी, ठीक है। ओके करके इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ से जो है मैं फीचर में जाऊँगा, इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारी एक्सट्रूड वाली कमांड मैं बता चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे ये मैंने बॉडी आज बना ली, ठीक है, ये मेरी बॉडी बन चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको आप चाहते हैं कि इस पे हमें एक प्लेन बनाना है तो हम इसमें लेंगे टॉप प्लेन पे था कंट्रोल, और इसके जो रेस्पेक्ट में अगर नंबर ऑफ प्लेन बनाने हैं, किसमें क्या कुछ और भी आप ड्राइंग इस पर बना सकते हैं तो वो प्लेन किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे वो आप देखिए। यहाँ से ये ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे आप जाएंगे ज्योमेट्री रेफरेंस वाला, इसमें आइकन में जाएंगे तो यहाँ पे प्लेन का एक सिंबल मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये क्लिक करेंगे ये प्लेन आ गया, ठीक है। ये इसके रेस्पेक्ट में है, यानी कि अभी इसके पैरेलल है, टॉप प्लेन फुल्ली देखो डिफाइन है। अगर आप इसको चाहते हैं कि इसके जो है परपेंडिकुलर हो जाए तो ये यहाँ से क्लिक करेंगे, परपेंडिकुलर हो गया ये देखिए, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर आ गया। अगर आप चाहते हैं इसके कोइंसिडेंट हो जाए तो ये कोइंसिडेंट हो गया, यानी कि एक ही प्लेन में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये 90 डिग्री के एंगल पे, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसी एंगल को यहाँ से कमबर्ती कर सकते हैं ये जी, ठीक है, ये देखिए। तो ये चीज़ें यहाँ से कमबर्ती कर सकते हैं, बट हमें एंगल का इसमें चाहिए नहीं, तो मैं इसको पूरा 90 कर देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और है, अभी मैं इसको पैरेलल कर देता हूँ, ठीक है। और आप चाहते हैं यहाँ से जैसे डिस्टेंस बढ़ाना इसकी, ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्टेंस पे और ये देखिए इस तरीके का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं, यानी कि दूसरी साइड करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अपोजिट साइड आ जाएगा, अनचेक करेंगे तो अपनी साइड पहुंच जाएगा जिस पोजीशन पे सेलेक्ट है। मिड प्लेन से लेने चाहते हैं, मिड प्लेन में मिड में हो जाएगा, ये देखिए मिड में आ गया। इसे अनचेक कर देंगे तो ये जो है अपनी जैसे हो जाएगा, यानी कि ये इस पर क्लिक कर देता हूँ, उस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा मुझे प्लेन बनानी है तो ये देखिए इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्लेन। हमारे 4 प्लेन बनानी है आपको, तो यहाँ से एक प्लेन और ऐड करिए। और यहाँ का डिस्टेंस आप चाहते हैं ज़्यादा है कम करना तो थोड़ा सा ज़्यादा कम कर लीजिए, 50 कर लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग प्लेन बन गए हैं, ठीक है। इस सारे प्लेन को आप बना सकते हैं और इस पर ओके करेंगे तो ये देखिए अब इस तरीके से आप देखेंगे अलग अलग प्लान बन चुके। अगर आप चाहते हैं इन पे कोई बॉडी, अगर कोई स्केच बनाना किसी भी प्लान पे, तो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस पे बनाना चाहते हैं 4th नंबर पे, आप देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 हो चुकी है, तो Ctrl 8 करिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई ड्रॉ, आप स्केच में जाएंगे, स्केच में जाके मान लीजिए कोई सर्किल बनाना आपको, तो यहाँ पे एक सर्किल कुछ भी आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ये ड्रा हो गया, ओके एग्जिट। तो अब इसे देखेंगे, ये देखिए इस प्लेन पे, ये वहाँ पे बॉडी पे नहीं बना, इस प्लेन पे बना। अगर इस प्लेन पे आप चाहते हैं इसे एक्सट्रूड करना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाइए और इसको ओके, और यहाँ से एक्सट्रूड, ये देखिए इस तरीके से इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड का दोनों फीचर है, ये दोनों साइड कर सकते हैं, इधर भी या उधर भी। तो और बीच में भी अगर इसमें किसी भी प्लान पे आप चाहते हैं, ये देखिए इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। अब आप चाहते हैं इस वाले प्लान पे कुछ बनाना तो इस पे बना सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको और स्केच और नॉर्मल यहाँ पे बनाइए। मान लीजिए मैं बना लेता हूँ ये एक प्लान पे और इस पे ये इस तरीके का ये ड्रॉ कर देता हूँ,
ठीक है, ओके। और यहाँ से एग्जिट, और एग्जिट होगा तो आप देखिए दोस्तों इस पे प्लान बन गए। ये बहुत कमाल का फीचर है, अगर जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें डिजाइन करनी होंगी तब इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। ठीक है, जैसे अब ये देखिए इधर भी हम इसको कर सकते हैं, या डाउन भी इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, कितना भी आप इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरीके से आप किसी भी प्लान पर अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ये बहुत कमाल का फीचर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, वो भी इसमें फ्री में उनकी हेल्प हो जाएगी, आप मदद करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।